हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम एंड एज वेल एज आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द वर्ल्ड एंड द ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इनको ये पता है, या तो आप एक ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में हो, यानी कि आपका दिल टूटा है, आप एक सेपरेशन के पेन को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आप इनसे रूठे हुए हो, आप इनसे नाराज़ हो, खफा हो, ऐसी ये फीलिंग्स इनको महसूस हो रही हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर फोकस अभी वर्ल्डली चीज़ों पर है। मतलब इमोशनली ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे। इनकी लाइफ में अगर दूसरे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे लोग एक ऐसा सिनेरियो भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं, और आपको ये ज़रूर एक फियर सताता होगा कि कहीं आपके पर्सन मूव ऑन ना कर जाए। और आपके पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आपका दिल टूट गया है, आप एक पेन में हो अभी। एंड ये दो तरह की बातें हो सकती हैं यहाँ पर। इवन आपके पर्सन ये जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर कंपटीशन है, मतलब आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, तो इनके लिए वो कंपटीशन की बात है और कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। तो आपके साथ जिस भी तरह से रेजोनेट करे आप उसी तरह से एनर्जीज को पिक कर सकते हो। यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह की नोइंग में है, या तो इनका दिल टूटा है या फिर आपका दिल टूट गया है, ये आपके पर्सन समझ रहे हैं, इनको ये बात पता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पर्सन का जो ध्यान है वो वर्ल्डली चीज़ों पर ज़्यादा है, यानी कि इनके करियर फ्रंट पर है, या फिर इवन इनकी लाइफ में अगर दूसरे ऑप्शंस भी हैं वहाँ पर अगर ये एक ध्यान देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। और क्योंकि ये अभी आपकी तरफ बढ़कर कोई एक्शन नहीं रख सकते, इस बात का भी इनको दुख होगा गाइस। तो यहाँ पर जैसा भी सिनेरियो है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। और यही एक कंसर्न इस बात को प्रूव करता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको आपकी चिंता है, आपके एंड पर क्या चल रहा है इन्हें ज़रूर इस बात की फिक्र है, और ये कैसे आपके और इनके बीच में सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, इस बात की भी आपके पर्सन हो सकता है प्लानिंग में बने हुए हैं। इनके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें एक तरह के लिम्बो में होंगी। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कंप्लीशन की तरफ पहुँच रही हैं, और जब तक वो सारी चीज़ें एक कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुँचती, एक जो फेज़ शुरू हुआ है यहाँ पर वो सब कुछ एंडिंग की तरफ नहीं पहुँच जाता, तब तक आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़कर आकर वो सारी बातें नहीं बता सकते ये कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में। इन्होंने आप ही को चूज़ करना है इवेंचुअली। अगर इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं तो ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप ही की तरफ वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। एटलीस्ट आपके पर्सन को ये पता है कि आप कुछ स्पेशल डिजर्व करते हो। मतलब इनसे भी अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आपकी जगह, आपकी पोजिशन बहुत ही एक हायर लेवल पर है। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते होंगे। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बिल्कुल भी लीस्ट डिजर्विंग नहीं है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप तारीफ के काबिल पर्सन हो, आप में किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, यू नो। और आपके पर्सन इस बात को समझते हुए आपकी तरफ द बेस्टेस्ट वर्जन में आना चाहते हैं, आपको अपने स्कार्स नहीं दिखाना चाहते, आपको अपने लाइफ के दुखों में शामिल करके आपको परेशान नहीं करना चाहते, ये पहले वर्ल्ड से लड़ना चाहते हैं। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट देयर करियर फ्रंट, और इन्हें अगर ऐसा लगता है कि अभी भी ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं है, इनके पास इनफ पैसा नहीं है टू ग्रो समथिंग विथ यू, तो आपके पर्सन आपको ऐसा कोई एक चीप वे में या लीस्ट वेज में नहीं ऑफर करना चाहते, ये आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, बहुत ही एक स्पेशल वर्ल्ड आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकें इनसे जो आप डिज़र्व करते हो। और क्योंकि ये आपको किसी भी मामले में कम समझते नहीं हैं, इसलिए आपको सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज हैं बहुत सारे लोगों के लिए।
और जैसे कि मैंने कहा कि दो तीन ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में और वहां पर इन्हें चूज करना है, तो ये आप ही को चूज करना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रगल में अभी बने हुए होंगे। मामला जो भी होगा, बात जो भी होगी, इन्हें पता है कि आपसे दूर रहना इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। ये पहले बैटल में बने हुए हैं और उन सारे बैटल्स को कॉन्कर करके तब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ब्लॉसमिंग अबंडेंस वाली, इनको एटलीस्ट ये पता है कि इन्होंने उस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है जो कि एक फॉर्म ऑफ अ ट्रेजर है, जो हर तरह से ब्यूटिफुल है, हर तरह से कंप्लीट है। इससे बेटर पर्सन या फिर इससे अच्छा इंसान मुझे नहीं मिल सकता। इस बात की नोइंग आपके पर्सन को है, ये गट फीलिंग है इनकी कि आप ही के साथ इन्हें आगे बढ़ना है, भले इनके अभी प्रेजेंट एनर्जीज के चलते जो भी कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, इनका करंट फेज जो भी चल रहा है, ये उस बात को अभी ज़्यादा काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इतना पता है कि इन्हें वो इंसान मिल चुका है, इन्होंने उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया है जिनके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ दुआओं से हासिल हो सकते हो। मतलब आपका वर्थ इतना है कि आप यूं ही किसी को नहीं मिल जाओगे। आपको पाने के लिए सच में गॉड से मांगना पड़ेगा, तब जाकर आप जैसी पर्सनालिटी इन्हें मिल सकती है। तो इन्होंने एटलीस्ट ये तो समझ लिया है कि आप मिल गए हो इन्हें, और आप इनके लिए हमेशा रहोगे, और इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से फक्र भी है। दे आर जस्ट इन देयर ओन प्राइड के इन्होंने आपको हासिल किया है, ये इतने लकी हैं कि आप इन्हें मिल गए हो, और ये बहुत अच्छी फीलिंग में आपके लिए बने हुए हैं। इवेंचुअली दे आर लीडिंग टूवर्ड्स द थर्ड चक्र आर्कएंजल शामिल। तो यहाँ पर ज़रूर आपके पर्सन अपनी डिज़ायर्स पर वर्क करने के लिए खुद को फाइनली रेडी मानेंगे, और जैसे कि मैंने कहा, आप ही इनके लिए वो एक डिज़ायर हो जिसे ये परसू करना चाहते हैं हर हाल में। इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, अगेंस्ट दोज ऑल ऑड्स, दे रियली वॉन्ट टू परस्यू यू इन द लॉन्ग रन, जहाँ पर आपके साथ एक ऐसा फाउंडेशन रखना चाहेंगे कि ये आपके साथ साथ अपने भी सपने पूरे कर सकें, यानी कि आपके कुछ ड्रीम्स इनसे जुड़े होंगे एंड लाइक वाइज इनके भी कुछ सपने जुड़े होंगे इनकी लाइफ से, तो ये आपके भी सपने पूरे करना चाहते हैं और खुद के भी ड्रीम्स को कॉन्कर करना चाहते हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके बगैर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्हें पता है। अभी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे एक बहुत बड़े चैलेंज के लिए, जहाँ पर इन्हें पता है कि आपको हासिल करने के लिए इन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, बहुत कुछ एंड करना पड़ेगा, बहुत कुछ एक तरह से नए फ्रेश लेवल पर स्टार्ट करना पड़ेगा। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अभी मेस्ड अप होंगी, तो वन स्टेप एट ए टाइम धीरे धीरे ये आपकी तरफ आगे बढ़ने की प्लानिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। इन कार्ड्स को हम लोग फिर भी क्लैरिफाई करते हैं इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, थ्री ऑफ कप्स, द मून, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एल्केमिस्ट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और भी हो सकता है लोग हैं जिनमें से इन्हें किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? और आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा एक तरह की डिससेटिस्फाइड या फिर एक अनफुलफिल्ड एनर्जीज में बने हुए हैं कि ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। अगर इनके लिए ऑलरेडी किसी और को सेलेक्ट कर दिया गया है, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में एक कमिटमेंट है, ये ऑलरेडी किसी से एंगेज्ड हैं, तो इस बात से इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इन्होंने गलत इंसान को अपने लिए चूज़ कर लिया है, या फिर अभी एक सिलेक्शन वाले ही प्रोसेस में है ये, अभी इन्होंने सेलेक्ट किया नहीं है, जस्ट दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द अलाइंसेस और समथिंग लाइक दैट, इवन इट कैन बी एनी सिचुएशन ऑफ देयर लाइव्स। तो जो भी है यहाँ पर मैटर, ये अभी एक प्रोसेस में है और इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपसे इन्हें एक डिस्टेंस में रहना पड़ रहा है। लाइक जो भी इन्होंने वजह चूज़ की है, उस वजह में ये खुश नहीं है, और इनकी लाइफ अगर अच्छी भी चल रही हो,
इनकी लाइफ में अगर सेलिब्रेशंस हैं, पार्टी चल रही है, सोशल लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवली अभी प्रोसीड हो रही है, तो आपके पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल एंजॉइंग द सेलिब्रेशन ओवर देयर. और रादर ये आप पर एक तरह के फोकस में बने हुए हैं, या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. और इन्हें दुख होता है कि अगर ये आपको चूज़ नहीं करते हैं किसी वजह से, तो ये बहुत बड़ी एक लाइफ की अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे जिसे ये अफोर्ड नहीं कर सकते. मतलब ये आप पर गिव अप कर ही नहीं सकते, आपको खोना अफोर्ड कर ही नहीं सकते. आपके साथ इनकी एक कंप्लीशन है और इस बात की इन्हें एक रियलाइजेशन हो चुकी है गाइस. और ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बट ये दुख में है. मुझे यही लग रहा है कि मे बी इन्हें फोर्स किया जा रहा होगा कि ये कहीं और बढ़ जाएं, लेकिन आपके पर्सन लड़ रहे होंगे वहाँ पर. एक तरह के वॉरियर वाली एनर्जीज में बने हुए हैं कि ये जितने भी बैटल्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये कुछ टाइम के लिए हैं और मैं यहाँ से कॉन्कर हो जाऊँगा, मैं यहाँ से जीत जाऊँगा या जीत जाऊँगी, जो भी एनर्जी है. और आपके पर्सन इवेंचुअली द एल्केमिस्ट वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपके साथ आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं. जैसे कि मैंने कहा ना कि ये आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं, ये आपके लिए मैजिशियन बनना चाहते हैं. इन्हें पता है कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपकी वर्थ है, और ये आपको अभी खो ही नहीं सकते. मतलब आप जब मिले हो तो इनके लिए इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई है, और ये ज़रूर आपकी वैल्यू को जानते हैं. जब आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, जिस भी फॉर्म में किया होगा आपने, इनकी तरफ जो भी लव शावर किया है, या फिर आपने एक अनकंडीशनैलिटी इनको दिखाई है, इवन आपने इनके बुरे वक्त पर इनका साथ दिया होगा, और एक अच्छे दोस्त होंगे आप इनके, और आप जैसी पर्सनैलिटी को खोकर ये कहाँ जाएंगे. तो दैट इज़ वाई दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग टू गिव यू दैट जस्टिस, जो भी आप डिजर्व करते हो. और इस चीज के लिए इन्हें लड़ना पड़ सकता है अपने अपनों से, या फिर कोई लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन से जो इनके लिए अभी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी बनी हुई है. दे आर नॉट हैप्पी और इनको लगता है कि ये इस तरह से स्टक हो जाएंगे, इन्होंने सोचा नहीं था. जो भी इन्होंने चूज किया है, जो भी ऑप्शन इन्होंने अभी अपने फोरफ्रंट पर रख लिया है, उन ऑप्शंस के साथ इतना सब कुछ गलत और मेस्ड अप सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इन्होंने सोचा नहीं था. इन्होंने फ्लो फ्लो में हो सकता है कुछ डिसाइड किया होगा और वहाँ पर आगे बढ़ गया. अब इनको पछतावा सा फील हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं तो अब यहाँ पर स्टक हो गया या स्टक हो गई, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन मुझ पर भारी पड़ जाएगी और मैं ऐसे इंसान को लूज आउट कर जाऊँगा जो कि मेरे लिए द परफेक्ट मैच है, और उस इंसान को खोना मैं डिजर्व नहीं करता. तो ये पछतावे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी अपने फोरफ्रंट पर रखकर एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे ये यहाँ से निकलें, और आपके लिए एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में आकर आपको वो सब कुछ दें जिस चीज़ के लिए भी आप एक डिजर्विंग एनर्जीज में हो. ऑलराइट गाइस, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो. तो आपको भी पता है कि आपके पर्सन कहीं पर बिजी ज़रूर हैं. जैसे कि हमने कल वाली एनर्जीज डिस्कस की थी, आपको बहुत कुछ पता है. इनकी वाइब से आप सब कुछ लाइक महसूस कर लेते हो कि ये सच में आपसे खफा हैं, या फिर ये सच में बिजी हैं या नहीं, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ आप अपनी वाइब के ज़रिए महसूस करते हैं. एंड लाइक वाइज इनकी भी ऐसी फीलिंग्स हैं आपको लेकर. वो जो एक कनेक्टिविटी है ना, वो जो म्यूचुअल कनेक्टिविटी हम जिसको कहेंगे, वो दोनों की तरफ से बराबर है यहाँ पर. और आप दोनों बिना कहे ही एक दूसरे के इनर मोस्ट थॉट्स को प्रेडिक्ट कर लेते होंगे दूर से बैठे बैठे, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते होंगे. लेकिन आपकी लाइफ हो सकता है एक तरह से बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी, इसीलिए आपने या तो अपने पैशंस पर वर्क करना शुरू किया है, आपने मूव ऑन करने की यहाँ से कोशिश की है, नॉट लिटरली
लाइक आपने कुछ टाइम अपने आप को देने का फैसला किया होगा, क्योंकि सच में आपके लिए भी ये सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, लेकिन आप ऐसे बिखर नहीं सकते। अभी आप लाइफ के एक ऐसे मकाम पर होंगे जहाँ पर आप रोते हुए नहीं बैठ सकते। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपका एक पर्पस है, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, आप लाइफ को इतना हल्के में नहीं ले सकते, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी में रहकर सब कुछ सरेंडर नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ता होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आप कहीं पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिजनेस है जहाँ पर हर दिन आपको एक्टिव रहना पड़ता है, हर दिन आपको एक फ्रेश एनर्जी में आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप वहाँ से एक तरह का स्टेप बैक नहीं ले सकते। आपको हर दिन उसी खुशी में, उसी जील में बने रहना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली लाइफ है, आप एक जिम्मेदार पर्सन हो वहाँ पर, तो हर दिन उठ खड़ा होना पड़ता है आपको। तो आप चीज़ों को इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं बना सकते, इवन दो बहुत कुछ लिम्बो में है, बहुत कुछ हैंग्ड सिचुएशन में है। आप उन सारी प्रोक्रेस्टिनेशंस की वजह से अपनी ज़िंदगी को एक तरह के स्टेक पर नहीं रख सकते, पाउज में नहीं डाल सकते। आपको हर दिन गेट गोइंग वाली एनर्जीज में रहना पड़ता है। तो शायद यही वजह है कि आपने खुद को बैलेंस करने के लिए अपने किन्हीं हॉबीज या पैशंस पर वर्क करना शुरू किया है, या फिर आपने योगा मेडिटेशंस वगैरह भी करना शुरू किया होगा। एक हीलिंग एनर्जीज में आप बने रहना चाहते हो, खुद को ग्राउंड करना चाहते हो, ऑलवेज ऑन द गो वाली एनर्जीज में रहना चाहते हो। आपको पता है कि ये पर्सन अपने ही वक्त पर आएंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कर लें, कोई जल्दबाजी यहाँ पर हो नहीं सकेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिवाइन के हाथों में सरेंडर्ड है, डेस्टाइंड है यहाँ पर चीज़ें। तो आप अपने आप को पेन नहीं देना चाहते, तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ आपकी। तो फाइनली यहाँ पर आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन एंड व्हेन इट इज़ गोइंग टू कम, ये हम देखते हैं गाइस। 10 of Swords, द हर्मिट, 3 of Swords, 8 of Wands, हायरोफेंट, एज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टस एंड द एम्प्रेस। तो बहुत सारे लोगों के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन एक तरह की अनसर्टेनिटी में है, मतलब डिवाइन टाइमिंग के तहत यहाँ पर प्रोसीड होगा सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करेंगे। मतलब इनकी लाइफ में अगर ऑप्शंस हैं तो इन ऑप्शन से ये फाइनली इवेंचुअली बाहर आ जाएंगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस में भी हैं तो ये सेलेक्ट आप ही को करेंगे, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट में आएंगे। आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द वाइफ्स एनर्जी, लिटरली यहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते होंगे, आपको एक वाइफ की तरह देखते होंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, इफ़ माई मेल व्यूवर्स आर वॉचिंग दीज एनर्जीज, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके साथ आपके पर्सन एक तरह की फैमिली स्टार्ट करना चाहेंगे, कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। ये कुछ भी हो सकता है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसी ही एनर्जीज में आपके पर्सन आने वाले हैं, आपकी तरफ वो एक्शन लेकर आने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, ये आपको आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। अब तक इन्होंने बहुत कुछ रिसीव किया होगा, अब ये गिविंग एंड पर आना चाहते हैं। इनको पता है कि बहुत कुछ इम्बैलेंस सा हो गया है इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में, और हर बार अगर ये एक रिसीविंग एंड पर बने रहकर आपकी कम्युनिकेशन को इन्होंने रिसीव किया है, आपकी हर बात को इन्होंने रिसीव किया है, लेकिन बदले में इन रिटर्न्स अगर इन्होंने कुछ कहा नहीं था, आपको कुछ दिया नहीं था, तो आपके पर्सन इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और ये आपको वो सब कुछ रिटर्न में देना चाहेंगे जो जो भी आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया था, लव के फॉर्म में हो या जिस भी फॉर्म में हो, आपने इन्हें बहुत कुछ दिया है और आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर जस्ट गोइंग टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत जल्द आएंगे आपके टूवर्ड्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक इमीडिएट एक्शन भी हो सकता है, अगर आपने इनसे कुछ कहा था और इनका रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा था, तो आप देखेंगे कि आपके पर्सन एक बहुत ही पोलाइट मैनर में, जहाँ पर ये अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हुए आपसे अपोलॉजी सीख करते हुए कोई एक्शन आपकी तरफ रख सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट इन्होंने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ। अगर आप एक पेन में भी हो, आप एक दुख में भी हो,
इनसे सेपरेशन में रहना अगर आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो आपके पर्सन इस बात को एक्नॉलेज करते हुए या तो आपसे सॉरी कह सकते हैं, या फिर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वेज में कुछ ऐसा कह सकते हैं, बता सकते हैं कि दे आर देयर फॉर यू एंड दे विल बी देयर फॉर यू, आपके जितने भी सपने हैं ये ज़रूर उन्हें पूरा करेंगे, और इस कनेक्शन पर एक कमिटमेंट ये लेकर आ रहे हैं और आपको लाइफ टाइम का वादा दे सकते हैं गाइस। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ जो बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव शिफ्ट है गाइस। मुझे नहीं पता अगर ऐसा ही सिनेरियो आपका है तो ज़रूर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इवन इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम लोग लेंगे कि इस पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने अगले रेगुलर शिफ्ट में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।